Hello everyone, this is Ishash Sharma, your host for today. Welcome back to another fresh episode at Airbus Boys. X-ray runway 7, hold section runway 12, hold short runway 7, beam return. Roger that. लास्ट वीडियो की रिस्पांस को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ था नेक्स्ट एपिसोड को बनाने के लिए इस सेम इंटरव्यू सीरीज में. सो हे आई एम, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मटेरियल्स एंड हार्डवेयर्स. बट क्योंकि मटेरियल्स एंड हार्डवेयर्स काफी बड़ा टॉपिक है, सो वी विल डिस्कस मटेरियल्स एंड हार्डवेयर टॉपिक बाय टॉपिक एंड वीडियो बाय वीडियो. एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो सकता. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एविएशन इंडस्ट्री. अगर मैं मोर एग्जैक्टली बोलूँ तो एविएशन मेंटेनेंस इंडस्ट्री. सो आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एंड हाउ यू शुड आंसर दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस इन अ मच मोर सिंपलिस्टिक एंड अ कंस्ट्रक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन, वेदर यू आर इन फ्रेशर और यू आर इन स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू गेट OGT और यू आर इन पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग समवेयर एंड वेटिंग फॉर एन एक्स्ट्रा एक्साइटिंग करियर चेंज. This video is for everyone who is aiming to be part of an aviation interview to be very soon. So, video को शुरू करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ टूल्स एंड डिटेल्स में नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. हम केवल उतनी ही बात करने वाले हैं जितना हमको इंटरव्यू में आंसर करना चाहिए. बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ना बहुत ज़्यादा कम बोल सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों ही केस हमको डीमेरिट्स देंगे, अपने अपने डिसएडवांटेजेस देंगे. सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूल्स के बारे में जो कि हमारा हार्डवेयर हो गया. एंड सेकंड जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मटेरियल्स. सो कुल मिला के ये दो वीडियो मिला के हम कवर करेंगे मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 7. सो शुरू करते हैं वीडियो. एंड ऑल्सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव इंक्लूडेड एन क्विज सॉर्ट ऑफ थिंग, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में जितने भी एयरलाइन इन आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज एंड ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उन सब में कैसे टूल्स का आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन आता है. उसका एक रेप्लिका देने के लिए मैंने इस वीडियो के एंड में हमने एक छोटी सी क्विज रखी है जिसमें कुछ टूल्स के आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको कमेंट करके आंसर अपना रिप्लाई करना है कि वो टूल्स कौन से हैं. ये बस छोटा सा अटेम्प्ट, बिकॉज मैंने रिसेंट इंटरव्यूज में लाइक विस्तारा या फिर टाटा के जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे उन सब में मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि दे आर शोइंग images and they are asking candidates to tell them which type of tool is that so that they can check whether you can identify that tool or not. So uske liye watch the video till the end because video ke beech mein main usko discuss karunga and end mein hum jaake wo 4-5 jo bhi questions hai wo solve karenge. So sabse pehle shuru karte hain. So the first basic question jo ki interviewer aapse pooch sakta hai is more possibly what do you know about general maintenance tools or tell me something about maintenance tools or do you know something about general tools. So first of all tools हमारे different categories में होते हैं. हम बात कर रहे हैं फिलहाल general maintenance tools की. So since we have limitless number of answers and limitless number of tools to be answered within this question, but we'll start by naming the most general ones because that's what interviewer has asked and you have to answer every question starting from the basics and then going towards the extensive part of it. So we start the question by naming general maintenance tools like hammers and mallets, screwdrivers, wrenches, punches, flats and cutters, files and so on. Agar aapne itne naam bhi bol diye, so that is completely enough to show that you are generally aware of the maintenance tools. And then agar aapse aur evaluation kiya jata hai, for example wrench ke andar, to wrench ke andar bhi different hai. For example, kyunki wrenches kafi zyada variety mein aate hain, so ho sakta hai ki interviewer aapse puche ki ओके नेम टेल मी द नेम ऑफ सम रेंच. तो उस केस में आपको बोलना है ओपन एंड रेंच क्लोज्ड एंड रेंच और बॉक्स एंड रेंच, कॉम्बिनेशन रेंच, स्पेशल रेंचेस एंड रैचेटिंग रेंच. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें हमारे रेंचेस क्लासिफाइड हैं. इतना आपने बोल दिया है, दिस इज इनफ. फर्दर अगर आपसे किसी एक पर्टिकुलर टूल को लेके उठाया जाता है क्वेश्चन, देन आपको उसको इलेबोरेट करना है. बेसिक पूछा जाए तो आपको इतना ही आंसर करना है. Because in every interview you will find that the more you try to become smarter in any question asked, the more fool you become at the end of the question. So आपको वो नहीं करना है, आपको केवल आंसर करना है. Because interviewer को आपसे हर चीज़ ज़्यादा पता है, इसलिए हमको उसके सामने केवल उतना ही आंसर करना है जितना sufficient हो. अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हम अपने लिए मुसीबत ज़्यादा खड़ी करेंगे. Next question ये आता है कि मैंने wrench
वर्ड पे इतना ज्यादा जोर क्यों दिया, रेंचेस के ऊपर इतना जोर क्यों दिया, इसलिए दिया बिकॉज रेंचेस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स। सबसे ज्यादा जो मोस्टली हम टूल यूज करेंगे वो हमारा रेंच ही होने वाला है। सो इसलिए मैंने रेंच वर्ड उठाया। एंड क्योंकि इसमें इतनी बेसिक वैरायटीज आती है कि इंटरव्यूअर चाहता है कि आपसे पूछे कि आपको क्या जनरल में पता है कि रेंचेस कितने टाइप्स के होते हैं। अब स्पेशल में भी अगर हम आए तो ही कैन आस्क यू नेम मी सम स्पेशल टाइप ऑफ रेंचेस। तो स्पेशल टाइप ऑफ रेंचेस में अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली बोलोगे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रेंचेस, एग्जाम्पल स्ट्रैप रेंचेस, बी नट रेंचेस, प्रो फुट स्पैनर, स्ट्रैप रेंच, हुक स्पैनर। सो दीज आर ऑल द बेसिक टाइप्स। इन सबकी पिक्चर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये कौन कौन से रेंचेज हैं जिनके बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ये ऑल्सो आपको हेल्प करेगा वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए। सो देखते रहे वीडियो पूरा। अनदर वर्ड और अनदर द कैटेगरी फॉर स्पेशल रेंचेज जो हम डिस्कस करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एविएशन में, दैट इज टॉर्क। बिकॉज बींग इन एविएशन यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट wrenches or one of the most important tools to be used at all places is the torque wrench, because humko specified force hi dena hota hai us particular fastener ko, usi ke liye hum use karte hain torque wrench. So torque wrenches are one of the most important tools. So torque wrenches ka jo topic hai wo humko ekdam strong karke chalna hai, because torque wrench bahut hi majorly used precision item hai jo aapko daily use karna hai, uske against question pucha jayega। जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि कितनी क्या क्या यूनिट्स में हम टॉर्क देते हैं वो आपको याद रखना है। एंड व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व बिफोर सिलेक्टिंग अ टॉर्क रेंच। बेसिक मैं बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको कैलिब्रेशन डेट चेक करनी होती है, ये चेक करना होता है वेदर द गिवन टॉर्क रेंच इज हैविंग दैट रेंज जो आप टॉर्क देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट्स टेक 350 Nm का टॉर्क देना है एंड अगर उसकी अपर लिमिट 220 Nm तक है देन आप वो टॉर्क नहीं दे सकते, तो आपको वो भी देखना है। देन आपको देखना है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइन मेंटेनेंस में यूज़ करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो वहाँ पे आप डिजिटल टॉर्क रेंज पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो टॉर्क रेंज में आपको रिलाई करना पड़ेगा मोस्टली ऑडिबल वॉइस की। बट इन केस अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हो कोई टॉर्क रेंज, तो उस एनवायरनमेंट में आप यूज कर सकते हो रेस्टिंग वाला टॉर्क रेंच, बिकॉज देयर यू विल फील द स्लिप, और यू कैन यूज द डायल इंडिकेटिंग वन, बिकॉज देयर यू कैन कीप योर आई ऑन टू द नीडल। नेक्स्टली हम अगर टॉर्क रेंच की बात करें तो टॉर्क रेंच हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक माइक्रोमीटर टाइप, डायल टाइप इंडिकेटिंग टॉर्क रेंच एंड हमारा डिजिटल वाला टॉर्क रेंच। मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं ऐसा कोई नहीं है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, सारे के सारे टॉर्क रेंच स्पेशल जगहों पर यूज किए जाते हैं, इसलिए इन सबका अपना अपना पर्पस है। तो इसलिए अगर आप कभी भी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे टॉर्क रेंज का टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, यूनिट्स पढ़ के जाओ, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया वो पढ़ वो याद रखना, और हो सके तो नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ। एंड साथ ही साथ कितने टाइप्स के टॉर्क रेंज होते हैं, बिकॉज अक्सर मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज इन दिस क्वेश्चन ओनली। ये वन ऑफ द मोस्ट अनहर्ड और बोल सकता हूँ कि मैं अंडर रेटेड टॉपिक है जो लोग स्किप कर जाते हैं ये सोच के कि विल आंसर, बट एट द एंड पॉइंट दे परफेक्टली get confused that what are the different types of talk range, because different books आप उठाओगे आपको different types मिलेंगे, but ये तीन basic type अगर आपने बोल दिए तो ये clear हो जाएगा matter कि आपको पता है कितने types के talk range होते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात general purpose maintenance tools की, but हमारी aviation industry में जो tools का पूरा classification है वो केवल यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, we also have different types of tools as well। So second category पे आते हैं, वो होते हैं हमारे precision tools। तो अगर आपसे कोई पूछता है कितने टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, तो यू सिंपली से जनरल पर्पस मेंटेनेंस टूल्स, प्रिसीजन टूल्स एंड कटिंग टूल्स, ये तीन क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो। ये क्लासिफिकेशन आपको 9A में मिल जाएगा। सो अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो टूल्स के बारे में, या फिर कोई भी इंटरव्यू से पहले एक बार गो थ्रू होना चाहते हो इस सारे टॉपिक के थ्रू जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप फॉर श्योर पढ़ो 9A, उसमें बेस्ट मिलेगा। मैं खुद 9A पढ़ता हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइप का कोई भी असेसमेंट है उसके पहले मुझे प्रिपरेशन करना है अबाउट दीज बेसिक टॉपिक्स, तो मैं द बेस्ट बुक मैं प्रेफर करता हूँ वो होती है फा 9A। तो आते हैं हमारे प्रिसीजन टूल्स के ऊपर। सो प्रिसीजन टूल्स आर स्पेशल लेआउट एंड मेजरिंग डिवाइसेस दैट आर वेरी परफेक्टली मशीन एंड डिजाइन इन सच अ वे टू टेक डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक विद लीस्ट एरर मार्जिन एंड मैक्सिमम प्रिसीजन। इतनी डेफिनेशन आपने बोल दी, दिस विल बी डेफिनेट कि आपको पता है कि प्रिसीजन टूल्स क्या होते हैं। अब आते हैं कि एग्जाम्पल्स के बारे में, आपने डेफिनेशन बोल दी, देन आप साथ साथ एग्जाम्पल दे दो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिसीजन टूल्स। इसमें हमारे आ जाएंगे DTI, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, फीलर गेज एंड सो ऑन।
उसने एग्जाम्पल दे दिए, दैट इज इनफ। नेक्स्टली जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हो भी सकता है आपसे पूछा जाए, हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, बट फिर भी आई वॉन्ट यू टू नो कि जो हमारे टूल्स मोस्टली होते हैं उनका मटेरियल क्या होता है। जो हमारे जितने भी टूल्स हम यूज़ करते हैं दे ऑल आर मेड फ्रॉम CR-V, तो मेडियम स्टील के बने होते हैं हमारे सारे के सारे। जो जो मॉड्यूल 6 की प्रिपरेशन कर रहा है, ही मस्ट बी टोटली अवेयर ऑफ वॉट इज CRV। और अगर आपको नहीं पता है तो CRV कंटेन्स 18% वेनेडियम एंड 1% क्रोमियम, दैट्स व्हाई वी कॉल इट CRV स्टील। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग CRV स्टील टू मेक टूल्स इज दैट इट इज वेरी मच वेयर रेजिस्टेंस एंड कैन ऑल्सो विदस्टैंड हैवी इम्पैक्ट एंड शॉक लोड्स, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं इसको। सेकेंडली आते हैं हमने जो कैटेगरी डिस्कस करी थी, दैट इज जनरल, सॉरी दैट इज प्रिसीजन टूल्स। सो प्रिसीजन टूल्स आर मोस्टली मेड फ्रॉम इनवायर स्टील। ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप बोल सकते हो इनकेस अगर आपसे क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो आपका थोड़ा सा अच्छा इमेज क्रिएट हो जाएगा इनकेस अगर आपने ऐसा जवाब दिया तो। एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सच एन इमेंस एंड हार्टफुल रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियो। गो एंड चेक इफ यू हैव नॉट सीन माई प्रीवियस वीडियो ऑन ऑफ दिस इंटरव्यू सीरीज, चेक आउट अ प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है अबाउट AC20 बेसिक्स। यू नो समथिंग अबाउट AC20, ये हमारे वीडियो का टाइटल था एंड मैंने उसमें डिस्कस किया है कि वॉट आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट यू शुड बी एबल टू आंसर इफ यू आर आस्क अबाउट एयरबस AC20। एंड नेक्स्टली करते हैं हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म, बिकॉज वीडियो हो जाएगा काफ़ी लॉन्ग अगर मैं एक ही टूल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैंने पहले भी कहा इंटरव्यू सीरीज में मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ, पढ़ना आपको खुद से ही है। और अगर आप चाहते हो कि मैं टूल्स के इस टॉपिक को और ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर अप करूँ, उसके लिए कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी वेदर आई शुड कवर द टूल्स टॉपिक्स और नॉट। अंटिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड आप ये तब तक ये क्विज को सॉल्व करो।